हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि हमारे कितना भी वीक मैथ में स्टूडेंट होंगे, जिनका मैथ वीक लगता है, उनको स्ट्रांग बनाने की हमारा कोशिश रहता है, और बनाकर भी छोड़ेंगे, आपको ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीका से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द ड्रॉइंग ए टू डी शो। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ड्रॉइंग किया गया है, देखो ए बी सी डी, ए से लेकर डी तक ड्रॉइंग किया गया है। अब इसमें से बताना है कि 2 × 1/5 के लिए इसमें कौन ड्रॉइंग है, यानी सही बोले तो इसको मैच कराना है। ठीक है, किसके लिए ए होगा, किसके लिए बी होगा, किसके लिए सी होगा, किसके लिए डी होगा, इसको मैच कराना है। ठीक है, तो हम पहले से क्वेश्चन बहुत मेहनत करके लिखे हैं। देखो हमें फिगर बनाने में उतना मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए देखो हम मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला है कि 2 × 1/5, 2 × फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 × 1/5, 1/5 कहने का मतलब कितना, दो गो, यानी 1/5 और प्लस 1/5। इसका कहने का मतलब है कि 2 × 1/5 का मतलब हुआ कि 1/5 + 1/5, यानी 1/5 कितना, दो होना चाहिए। अब 1/5 का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए ऊपर जितना रहेगा ना, जो न्यूमिनेटर में रहेगा वो छायांकित रहता है, ड्राइंग किया हुआ रहता है, और डिनोमिनेटर में जो रहता है ना वो टोटल नंबर होता है, उसमें टोटल कितने बॉक्स बने हुए हैं। जैसे देखो 1/5, तो 1/5 कहाँ होगा, ये 1, 2, 3 ही है, इसमें 1, 2 ही है, इसमें 1, 2, 3, 4 ही है, लेकिन देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 बॉक्स है, यानी जो नीचे जो डिनोट करता है वो देखता है कि कितना बॉक्स है, ये डिनोट करता है, तो 5 बॉक्स है, और ऊपर में जो रहता है नोमिनेटर में वो बताता है कि कितना उसमें ड्रॉइंग किया गया है, कितना, एक, 5 में 1, यानी नीचे कहने का मतलब टोटल नंबर होता है, और ऊपर जो छायांकित यानी ड्रॉइंग किया हुआ रहता है उसको देखते हैं, तो टोटल नंबर 5, 5 है, ऊपर कितना है 1, यानी 1 ड्रॉइंग किया गया है, 5 में 1 ड्रॉइंग किया गया है, तो कौन सा, पहला के लिए कौन सा, पहला के लिए कौन सा, डी हो रहा है। हम क्या करेंगे, पहला के लिए यहां पर डी आंसर लिख देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है 2 × 1/2, यानी 1/2 कितना, 2, यानी 1/2 + 1/2 कौन सा होगा, टोटल नंबर कितना, 2, देखो 1, 2 टोटल 2 है, और कितना है ऊपर में 1, यानी 1 ड्रॉइंग किया गया, देखो 1, यानी बी हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड का बी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चलो थर्ड देखो, 3 × 2/3, थर्ड है 3 × 2/3, 2/3 कितना है, 3 है, तो 2/3 + 2/3 + 2/3, तो 2/3, 2/3, 2/3 कितना है, टोटल नंबर 3, ड्रॉइंग कितना, 2, 2, टोटल नंबर 3, 1, 2, 3, ड्रॉइंग कितना, देखो है ना, तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आंसर हो जाएगा थर्ड के लिए। फोर के लिए, 4 है 3 × 1/4, यानी 1/4 + 1/4 + 1/4, अब देखो 1/4 यानी टोटल नंबर 4 होना चाहिए, और ड्राइंग कितना, 1, टोटल नंबर 4 है, ड्राइंग कितना, 1, 1 है, तो कौन सा हो जाएगा, ये सी आंसर। बस आपको मैच कराना था, जो कि हमने करा दिया, बहुत ईजी है, बस आपको इसको शो करना था, पहचानना था आपको। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि सम पिक्चर ए टू सी आर गिवेन बिलो टेल व्हिच द शो, वही सेम है सॉरी। ठीक है,
सम पिक्चर ए टू सी आर गिवेन बिलो टेल विच ऑफ द देम शो। यही काम जो सेकेंड क्वेश्चन किए हो वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। पहला क्या है, फर्स्ट नंबर है कि 3 × 1/5 इजकल टू कितना है 3/5, यानी इसको देखो इसको क्या करेंगे हम नंबर ए लेंगे, नंबर वन 3 × 1/5 है, यानी 1/5 कितना 3, 1/5 + 1/5 + 1/5 टोटल नंबर 5 ड्रॉइंग 1, तो 1, 2, 3, 4, 5 देखो यही हो जाएगा, ठीक है टोटल नंबर 5। अच्छा सॉरी, इसमें एक और मिस्टेक हो रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ना, ध्यान देना 3 × 1/5 इजकल टू क्या है 3/5, कहने का मतलब है कि 1/5 कितना 3 गो, तो 1/5 + 1/5 + 1/5 इजकल टू में 3/5 बोल रहा है कि 1/5 मतलब टोटल नंबर 5 होना चाहिए छः अंकित यानी ड्राइंग 1, एक देखो ये तीनों है यहाँ पर तीनों मिल गया, और लास्ट में इक्वल के बराबर क्या है टोटल नंबर 5 होना चाहिए लेकिन ड्राइंग कितना 3, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हमारा आंसर। ठीक है सेकेंड है कि 2 × 1/3 इजकल टू 2/3, 1/3 कितना 2, तो 1/3 × 1/3 इजकल टू 2/3 कौन सा हो जाएगा टोटल नंबर 3, ड्रॉइंग कितना 1 देखो ये वाला, और इक्वल में 3 में 2 ड्रॉइंग होना चाहिए था, बिल्कुल 3 में 2 ड्रॉइंग है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड है कि 3 × पहले लिख लो 3 × 3/4 इजकल टू 2 × 1/4 क्या हो जाएगा 3/4 कितना 3, यानी 3/4 + 3/4 + 3/4 और 2 × 1/4 है ना, 2 × 1/4 इसका कहने का मतलब है कि 1/4 जो है कितना है 2, 1/4 कितना है 2, यही कह रहा है ना कि 1/4 कितना होना चाहिए 2, सही है या गलत है, सही हो रहा है ना, सही है या गलत है, इसको मल्टीपल कर दो ना सबसे अच्छा, इसको करेंगे तो 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 9/4 होना चाहिए। अब मिलाओ 3/4 यानी 4 में 3 ड्रॉइंग होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 4 में 3 ड्रॉइंग 4 में 3 4 में 3 ये तो मिल गया, अब 9/4 टोटल 9 होना चाहिए, सॉरी टोटल 4 होना चाहिए जिसमें 9 ड्रॉइंग होना चाहिए, देखो 1, 2, 3, 4 है, इसमें ड्रॉइंग कितना है 1, 2, 3, 4 8 और 1 9 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये बस आपको पहचानना था कि किस में कितना ड्रॉइंग किया गया है, ये है बहुत ईजी, ठीक है बस आपको पहचानना था, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, आगे अभी आपको मिलेंगे जो कि आपको हम अभी बना बना करके दिखाते चलेंगे, ठीक है ना। थर्ड नंबर है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है मल्टीपल करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बहुत ईजी है ध्यान से देखिएगा, ठीक ना बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 × 3/5 है, क्या करेंगे इसको पहले मल्टीपल करेंगे, 7 से 3 से करेंगे 21 अब बाई में 5, अब जैसे 21/5 आया है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन होता कैसे है आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 21 में 5 क्या कर रहा है डिवाइड, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 × 20 यानी 20 टाइम्स इसमें से कितना है 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका होता है कि पहले जो ए जो हमारा कोशेंट आता है उसको पहले लिखा जाता है और रिमाइंडर को ऊपर, और यहाँ पर जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे, और यही हमारा
क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में फोर इंटीजर 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। अभी सेकेंड देखो, सेकेंड है कि 4 × 1/3। तो 4 को 1 से ऊपर को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 4/3। अब क्या करना है, 4 में 3 से डिवाइड करना है, 4 में 3 से डिवाइड, 1 टाइम्स 3, रिमाइंडर 1 आ गया। तो आपको पहले क्या बोले, कोशेंट को पहले लिख लो, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिख लो, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे लिख लो। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हो गया 1 × 1/3। थर्ड देखिए, थर्ड है कि 2 × 6/7। तो 6 × 12 / 7। तो 12 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 12 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना जाएगा 5। तो जो कोशेंट रहता है उसको लिख लेता है रिमाइंडर को ऊपर, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे। ये हो गया, तो इसको लिख लेंगे 1 × 5/7। ठीक है, फोर नंबर, 5 × 2/9, 5 × 2/9, 5 × 10/9, इसको डिवाइड करेंगे, 10 में 9 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स, और 10 में से 1 जाए 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले कोशेंट को लिख लो, फिर रिमाइंडर को ऊपर, अब बाई में 9, यानी हो जाएगा 1 × 1/9। फाइव नंबर देखिए, फाइव नंबर है 2/3 × 4। तो इसको मल्टीपल कर देंगे, 4 × 8/3। तो 8 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 6, रिमाइंडर 2, यानी 2 × 2/3। अब तो लिखने आ गया होगा, अब तो आप लोग को लिखने आ गया होगा, 5 भी हो गया। 6 देखिए, 5/2 × 6, ये हो जाएगा 30 × 2। अब 30/2 को कैसे लिखेंगे, 30/2 को तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इंटीजर हम नहीं लिख पाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसको लिखो 7, 7 क्या है, 7 देख लो, 11 × 4/7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11 × 4 = 44/7, इसको डिवाइड करिए, 44/7, ये हो जाएगा 7, कितने टाइम जाएगा, 6 × 7 = 42, कैरी रिमाइंडर 2। इसको लिखेंगे, पहले कोशेंट को, फिर रिमाइंडर को, फिर इसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, 6 × 2/7 हो गया। 8 देखिए, 8 क्या है, ये 20 × 4/5, इसको मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 8 ना, यानी 80/5, इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये तो 16 टाइम्स में हमारा डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर पाएंगे। 9 है कि 13 × 1/3, 13 × 1 से करेंगे 13/3, इसको डिवाइड करिए, 13 को 3 से करेंगे, 3 × 4 = 12, 1 आ गया, यानी 4 × 1/3, 4 × 1/3। 10 देखिए, 15 × 3/5, 15 × 3/5, क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीपल, 15 × 3 = 45/5, इसको काटा देंगे 9 टाइम्स में, क्लियर। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सेड, फर्स्ट है कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, इसको सॉल्व करना है बॉक्स ए के साथ, ए बॉक्स ए है, इसको बी के साथ, इसको सी के साथ। तो हम फर्स्ट ऑफ ए को सॉल्व करते हैं, नंबर 1 है कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए। तो देखिए 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, ऑफ का हिंदी होता है का, यदि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो का मतलब ही होता है गुना। ठीक है,
लेकिन आप इंग्लिश मीडियम है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। सर्कल ऑफ इन ए सर्कल इन बॉक्स ए, ए में कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, 9 है कि 12 है, 1 2, अच्छा मिस्टेक से हमारा 9 ही है, ठीक ना, बुक में हमारा कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक ना, इसको बढ़ा लो, सॉरी, ठीक है 12 है, 3 3 3 3 यानी 12 टोटल सर्कल है, हमने गलती से लिख लिया था 9 ही, ठीक है। टोटल सर्कल ए में कितना है, 12 है, अब इसको कटा दो 6 टाइम्स, यानी 6 जो आया ये आपका 6 सर्कल होगा, किसके लिए, 1/2 ऑफ सर्कल इन बॉक्स ए के लिए। बी देखिए, बी है आपका, बी क्या है, ए वाला, बी में क्या है कि 2/3 ऑफ द ट्रेंगल, 2/3 ऑफ द ट्रेंगल, द ट्रेंगल इन बॉक्स बी, तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, अब बॉक्स बी में कितना ट्रेंगल, 3 3 9, तो 9 3 3 जा 9 कट गया, 3 2 जा 6, 6 ट्रेंगल होगा, ठीक है। सी देखिए, सी है 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी, तो 3/5 स्क्वायर सी में कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी 9 स्क्वायर होंगे, यही हमारा आंसर। बस कितना इजी है, बहुत इजी था, ठीक है। बस आपको इसमें सीखना था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब ये समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब हम 6 देखेंगे, 6 आपके नहीं 6 नहीं 5 फाइंड करना है, 1/2 ऑफ नंबर 1 में 24 और सेकेंड में 46, बी में 2/3 ऑफ 18 27, सी है ए और डी है ए। चलिए हम आपको बारी बारी से सॉल्व करके सिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेते हैं नंबर ए कि 1/2 ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो देखो इसमें पहले हम फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे फिर सेकंड के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/2 ऑफ ऑफ मतलब मल्टीपल, किसके साथ भाई, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं 24 के साथ, इसको डिवाइड कर दो 12 टाइम्स, 12 से 1 से करेंगे ये हो जाएगा 12, फर्स्ट बन गया। अब सेकंड, सेकंड पहले तो 1/2 दोनों के लिए है, तो 1/2 ऑफ ऑफ मतलब मल्टीपल, और यहाँ पर 46, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 46, 2 23 जा 46 होता है, यानी 23 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह सेकेंड थर्ड फोर भी बन जाएगा, ए बी सी भी, ए तो बना दिए, बी बाकी है, तो फर्स्ट के लिए 2/3 है ना, फर्स्ट के लिए 2/3 और फर्स्ट के लिए 18 है, तो 18 के साथ मल्टीपल, 6 टाइम्स कट जाएगा, 6 2 जा 12, इसका सेकेंड 27 है, तो 2/3 × 27, इसको डिवाइड कर दो 9 टाइम्स, 9 से और 2 से 8 हो जाएगा आंसर। सी, सी है 3/4 ऑफ 16, यानी फर्स्ट पहले करते हैं, तो 3/4 ऑफ मतलब मल्टीपल आ 16, इसको डिवाइड कर दो 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। उसके बाद 36 है सेकेंड के लिए, 3/4 × 36, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, आंसर। डी देखिए, फर्स्ट है 20 और 4/5 के साथ मल्टीपल करना है, तो 4/5 ऑफ मतलब मल्टीपल और 20 के साथ, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, ये फर्स्ट के लिए हो गया। दूसरा सेकंड के लिए 4/5 × 35 है, तो 35, 5 7 जा 35, 7 4 जा
28। ये देखो हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 नंबर भी। सबको समझ में आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम 6 नंबर देखेंगे। 6 है आपके सामने, देखिए। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेसेस एट द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखो, ये भी बहुत ईजी है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ईजी होता है। नंबर ए देखिए, 3 × 5 1/5 है। हम क्या करेंगे, पहले 3 से और 5 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, और 1/5 हमारा 3 1 है कि वहाँ 1 ही है ना, 1 है, बटा 5 हो गया। लेकिन क्या यह सही है, क्या आप बता सकते हो कि सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इनको इनको मल्टीपल कर देते हैं और फिर इनको ऐसे लिख देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। बिल्कुल गलत है दोस्त। इसको बनाएंगे कैसे देखो, पहले 3 है ना, तो इसको 3 को ही रखेंगे। पहले 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, इस इंटीजर को तोड़ेंगे, 5 × 5 = 25, और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 25 × 1 = 26 हो गया, अब बटा में 5। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इनको और इनको मल्टीपल कर देंगे, तो 26 से और 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 × 3/5 = 26 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 78, अब 2/5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके लिख लेंगे। आइए 78 में 5 से डिवाइड करेंगे, 78 में 5 से डिवाइड, 1 टाइम्स में जाएगा, कैरी कितना, रिमाइंडर 2 आ गया, ऊपर से 8 उतरा, फिर 5 × 4 = 5, 5 = 25, यहाँ से रिमाइंडर 3 आ गया, यानी जो कोशेंट होता है पहले लिख लिया जाता है, रिमाइंडर को ऊपर में, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन आ गया, इसको लिख लेंगे 15 × 3/5, ये हुआ हमारा असली आंसर। ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है कि बहुत जल्दी ही बन जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। बी नंबर भी देखिए, 5 × 6 × 3/4 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को रखेंगे इंटू, इसको करेंगे 6 × 4 = 24, और 3 कितना हो जाएगा, 27, अब 2/4। अब 27 को 5 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 27 को 5 से जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 135, और जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे, 135 को 4 से डिवाइड करना है, 4 × 3 = 12, यानी यहाँ से 1 हो गया और ये हो गया 15, 4 × 3 = 12, यानी ये हो गया 3। इसको लिखेंगे 23 × 3/4, ये हमारा आंसर, 33 × 3/4, ये हुआ आंसर। सी देखिए, 7 × 2 × 1/4 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को लिख लेंगे, 4 × 8 = 9, 9/4, 7 × 9 = 63, अब 2/4। अब इसको डिवाइड कर दो, 63 में 4 से डिवाइड करना है, 1 टाइम्स, यहाँ से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ से 23, 5 टाइम्स में 20, रिमाइंडर 3 आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं, पहले कोशेंट को 15, रिमाइंडर को ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, यानी ये हो जाएगा 15 × 3/4 हमारा आंसर, ठीक है। डी देखिए, 4 × 6 × 1/3 है। तो क्या करेंगे, 4 को 4, इसको करेंगे मल्टीपल, 18 और 1 90/3 हो गया। इसको क्या करेंगे मल्टीपल, 94 जा कितना होता है, 94 जा होता है 76/3। अब क्या करेंगे, 76 में 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर रफ में कर दीजिए, 76 में 3 से करना है, 3 × 2 = 6, घट जाएगा, माइनस करेंगे तो 1, ऊपर से उतरा 6, ये 3 × 5 = 15, यहाँ से 1 आ गया, यानी 25, रिमाइंडर ऊपर, और इसे डिवाइड करते हैं नीचे, 25 × 1/3 हो गया। ये सब तो आप लोग को ईजी लगता होगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बहुत ईजी होता है, ठीक है।
ई नंबर है 1/3 इंटीजर 1/4 इंटू 6 है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो 6 इधर था, आप लोग पहले इसको मल्टीपल करते थे, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको वैसा ही करेंगे, जस्ट वही काम, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 इंटू 6 अब आई में 4, तो 13 सिक्स जा कितना होता है 78 होता है ना, 30 सिक्स जा कितना 78 है, बिल्कुल 78 ही होता है, अब आई में 4, इसको डिवाइड कर दो, 78 को 4 से डिवाइड करो, 4 है ना, 4 है तो 1 टाइम्स में 4 और 3 ऊपर 17 18 हो जाएगा 38, और इसको 6 टाइम्स कर दें, नहीं 9 टाइम्स 36, ये हो गया 2, यानी ए आ जाएगा 2 आएगा कि हाँ 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 92/4, ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। ई के बाद एफ, एफ देखिए एफ क्या है, एफ है आपका ए वाला 3×2/3×8 है, सबसे पहले इनको करेंगे 3×3 = 9 × 2 = 11 अब आई 3×8 11 + 88 अब आई 3 88 में 3 से डिवाइड कर देंगे 88 में 3 से डिवाइड 3×2 = 6 2 आ गया ऊपर से 8 हो जाएगा 3×9 = 9 नहीं ज़्यादा हो जाएगा इसको कितना बार कितने टाइम्स करें 7 टाइम्स करेंगे तो कम ही होगा फिर इसको हम कितने टाइम्स कर दें कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना क्वेश्चन में तो गलती नहीं हो रहा है ना हाँ गलती हो रहा है बुक में यहाँ पर 5 है ठीक है मिस्टेक हो रहा था यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 करिए ठीक है यहाँ पर 5 करिए सब गलत हो गया 5×3 = 15 और 2 17×8/5 तो 17 + 8 कितना होता है 78 + 136/5 अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ पर डिवाइड करके लिख देते हैं 5 से 5×2 = 10 रिमाइंडर 3 आ गया यहाँ से 6 उतारेंगे फिर कितने टाइम्स इसको 7 टाइम्स कर दो और यहाँ पर 1 रिमाइंडर यानी ये हो जाएगा 27×1/5 ये आपका आंसर। तो देखो हमने सबको क्या किया मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर लिया आई होप कि आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन करने आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका वैल्यू निकालना है ठीक है आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को फाइंड 1/2 ऑफ मतलब क्या करना है जो ए है इनके दोनों के साथ बनाना है और ए बी भी इन दोनों के साथ ही करना है तो वही सेम क्वेश्चन जो आप लोग पहले 5 नंबर शायद किए हैं उसी तरह से बनेगा। ए नंबर देखिए तो पहले फर्स्ट के लिए बनाते हैं 2×3/4 इंटू 1/2 है ना ऑफ है तो 1/2 इसको मल्टीपल में कर देंगे ठीक है या ऐसे कर सकते हो इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हो सोचते हो कि उल्टा सर लिख दिए तो आप ऐसे करो फर्स्ट के लिए 1/2 ऑफ कर दो अब फर्स्ट के लिए बना रहे हो ना तो 2×3/4 अब इसको सॉल्व कर दो 1/2 ऑफ मतलब मल्टीपल होता है 4×2 = 8 और 3×11/4 इसको आप क्या करो मल्टीपल कर दो 11×1 = 11 8×2 = कितना हो जाएगा 4×2 = 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे इसको हम कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन का रूल क्या होता है यहाँ पर रफ में देखो इसको डिवाइड कर दिया जाता है 8×1 में जाएगा यहाँ से 3 आएगा यानी इसको हम जो क्वेश्चन होता है उसको पहले रिमाइंडर को ऊपर और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे ये देखो आंसर। इसका सेकेंड बनाइए 1/2 ऑफ किसके साथ 4×2/9 के साथ 4×2/9 तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ मतलब मल्टीपल 9×4 = 36 और 2×38 / 9 इसको डिवाइड कर मल्टीपल करेंगे 38 से 1 से 38 और 9×2 = 18 इसको डिवाइड करेंगे 38 में 18 से करेंगे 2×36 ये हो गया 2 तो पहले क्या लिखा जाता है कोशेंट फिर रिमाइंडर और नीचे जिससे डिवाइड किया जाता है तो ये हो जाएगा 2×2/18 आपका आंसर। अब बी देखिए बी है 5/8 ऑफ तो फर्स्ट के लिए 5/8
ऑफ थ्री इंटीजर 5 बाई 6, इसको सॉल्व करिए। 5 बाई 8 ऑफ मतलब मल्टीपल, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना, 18 और 5 23, अब बाई 6। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको हम मल्टीपल करते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 23 5 जा कितना होता है, 23 5 जा 115, ठीक है, और 8 6 जा 48, इसको डिवाइड करके लिख देंगे। तो डिवाइड करेंगे कैसे, यहाँ पर कर देते हैं, 115 में 18 से करना है, तो 1 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। घटाएंगे ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 9 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटीजर 19 को ऊपर और इसको नीचे, 2 इंटीजर 19 बाई 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, 5 बाई 8 को इसके साथ, 5 बाई 8 ऑफ 9 इंटीजर 2 बाई 3, तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 8 ऑफ मतलब मल्टीपल, 9 3 जा 27 29 बाई 3। अब क्या होगा, देखो 29 को 5 से करेंगे, 29 5 जा कितना होता है, मल्टीपल याद है नहीं याद है, तो हमको याद है 145 होता है, ठीक है, और 8 3 जा 24। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 145 में 24 को डिवाइड करते हैं, 24 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स में चला जाएगा, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में जाएगा, 144, ठीक है, तो ए सब कट करके 1 हो गया, यानी इसको लिखेंगे 6 1 बाई 24, लिख सकते हो 6 1 बाई 24, हमने सबको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लिया। ये था रूल बनाने का, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म भी होता है। नहीं, एक 8 और है, यहाँ देखो 8 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पेंसिल ए पिकनिक, पेंसिल नहीं पिकनिक, देयर मदर गेव देम द वाटर बोतल डैट द कंटेंट 5 लीटर, उसके मदर ने, ये दोनों जा रही थी पिकनिक मनाने, उसकी माँ ने क्या कि 5 लीटर पानी दी। दिव्या कंज्यूम 2/3 ऑफ द वाटर, दिव्या क्या कि इतना यूज कर ली 2/5 पानी का, तब प्रताप कंज्यूम देयर रिमेनिंग वाटर, तो प्रताप बताइए कितना यूज करेगा, मान लीजिए उसकी मदर ने 5 लीटर पानी दी और इसने इतना यूज कर ली, तब बताना कि प्रताप कितना यूज करेगा। हाउ मच वाटर डिड दिव्या ड्रिंक, मतलब दिव्या कितना, हाउ मच वाटर डिड दिव्या ड्रिंक, मतलब दिव्या कितना ड्रिंक यूज की, और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ द प्रताप ड्रिंक, और क्वांटिटी बताइए प्रताप कितना यूज किया। तो पहले देखो जो यहाँ पर जो सिंपल दिया है कितना प्रताप के लिए बचेगा, पहले उसको हम निकालते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले जो गिवन है उसको लिख लो, क्या गिवन है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल कितना है 5 लीटर, इसको लिख लो, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल कितना 5 लीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट बोला है कि दिव्या कंज्यूम्ड कितना कर रही है, दिव्या पानी कितना यूज कर रही है 2/3, तो लिखेंगे दिव्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, मतलब दिव्या जो है 5 लीटर पानी का 2/5 यूज कर रही है, ठीक है, क्या कहेंगे लीटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर दिव्या ड्रिंक 2 लीटर हो जाएगा। अच्छा, आपको तो बताया भी नहीं कि कितना कैसे हुआ, देखो 2/5 और 5 लीटर का कितना होगा 2 लीटर, कैसे, देखो जब इसको सॉल्व करोगे, ऐसे हमको दिख रहा था कि 5 5 कट गया इसलिए 2 लीटर डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आपको समझाएंगे 2/5 ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीपल, 5 लीटर है तो 5 5 5 कट गया, क्या बच गया 2, यानी दिव्या ड्रिंक कितना की 2 लीटर, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब सेकंड प्रताप के लिए कितना बचा, प्रताप कंज्यूम्ड
प्रताप कंज्यूम्ड, कितना किया है प्रताप जो कंज्यूम किया है पूरे बोतल का, पूरे बोतल में 2/5 को माइनस कर दें, यानी मान लो कि पूरा बोतल 1 बोतल है और उसमें से कितना यूज किया 2/3, ये 2/3 कौन यूज किया दिव्या, तो जो बचेगा मान लो पूरे बोतल में से इतना कोई यूज कर लिया जो बचेगा वही प्रताप का जाएगा, तो इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी 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 3 नहीं है 5 है ना, 2/5 यूज किया दिव्या ना, तो 2/5 लिखो, एलसीएम हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 यानी इस प्रताप का आ जाएगा 3/5। देखो समझो दिव्या मान लो यूज की थी 2/5 एंड 2/5 यूज कर ली थी, अब प्रताप को बताना है, तो मान लो कि पूरे बोतल है, पूरा बोतल है उसमें से दिव्या इतना यूज कर लिए, अब इसमें से जो माइनस करेंगे वो हमारा प्रताप का आ जाएगा, तो प्रताप कितना किया 3/5। अब आपको बताना है कि हाउ मच वाटर डिड दिव्या ड्रिंक, अब दिव्या कितना अधिक पिए ये भी बताना है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, प्रताप कंज्यूम्ड, प्रताप कंज्यूम्ड पहले लिख लेंगे, इसका निकाल लेंगे 3/5 भी कितना लीटर पिया है इसका निकालना पड़ेगा ना प्रताप का, जैसे 2/5 दिव्या पी थी तो टोटल कितना पी थी 2 लीटर, उसी तरह 3/5 प्रताप पिया तो कितना लीटर यही बताना होगा, तो पहले लिखेंगे प्रताप कंज्यूम्ड ऑफ 3/5 ऑफ 5 लीटर, 5 अच्छा से लिखो 5 लीटर, तो क्या हो जाएगा 3/5 × 5, 5 5 कट गया यानी 3 लीटर पानी कौन पिया प्रताप पिया। अब बताना है कौन अधिक पिया है, अधिक कौन पिया है, तो मान लो प्रताप 3 लीटर और दिव्या 2 लीटर, तो ऐसे ही दिख रहा है कि प्रताप अधिक पिया है, तो लास्ट में लिख लेंगे कि 10 प्रताप ड्रिंक 3/5 पार्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब था इस क्वेश्चन का ना, कि मान लो कि कोई पिकनिक मनाने जा रहा है, मान लो कि राम है और श्याम है, दो लोग हैं, उनकी मम्मी 5 लीटर पानी दे दी, तो राम ने क्या किया कि 2/5 यानी 2/5 लीटर्स पानी पी लिया, ठीक है। तो बताना है कि श्याम कितना पिएगा, तो देखो पूरा बोतल में 5 लीटर का पानी था और 2/5 भाग पी ली, तो क्या करेंगे 2/5 × 5 कर लेंगे, ऐसे ही दिख गया कि राम ने 2 लीटर पिया। अब बताना है कि श्याम कितना पिया, तो मान लो कि पूरा बोतल हो गया और उसमें से 2/5 इतना राम ने पी लिया है, तो घटा देंगे, घटाएंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब 3/5 श्याम ने पिया है तो कितना लीटर, तो उसको टोटल लीटर पानी था 5 लीटर, गुना कर देंगे 3 लीटर, और ऐसे ही दिख गया कौन ज़्यादा पिया है, हो गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। यदि आपको क्लास 7 का पूरा मैथ पढ़ना है तो एक सपोर्ट मेंबरशिप है 499 का, जिसमें आपको जब तक आप 8 क्लास में नहीं जाएंगे तब तक के लिए 499 रुपये लगता है, और 100% आपको मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है, साथ में आपको नोट्स मिलेगा और अलग से कोई बुक बनाते हो उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा, और मैथ आपका यदि वीक है तो आपको 100% स्ट्रांग किया जाएगा, पूरे 100% आपको मेहनत कराएंगे, खुद करेंगे और आपका मैथ एकदम 95, 96, 99 तक लाने लायक आपको बना देंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं सपोर्ट मेंबरशिप में तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8383896719 पर, आप करें चाहे अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे कॉल करवा सकते हो, ये ज्वाइन करना होगा आप जरूर ज्वाइन करिए, आपका मैथ हम वीक होगा ना स्ट्रांग करवाएंगे गारंटी, थोड़ा आपका ठीक है उससे भी बढ़िया करवाएंगे, ये मेरा वादा है, और मेहनत कर करके आप लोग इतना स्ट्रांग मैथ करा देंगे 8 क्लास जाते जाते कि आप नाम लोगे मेरा, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना होगा उनको लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, फुल कोर्स के लिए जब तक आप 7 से 8 में नहीं जा पाएंगे तब तक के लिए फी है, समझ लो इतना कम में पढ़ा रहे हैं, जुड़ना होगा इस नंबर पर जरूर कॉल करिएगा, अपने घर में जो भी बड़े लोग होंगे। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो देखिए सभी वीडियो देखने के लिए मेरा सबसे पहले आपको जाना होगा यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे कार्ब अकाडमी, ठीक है, कार्ब अकाडमी सर्च करिए, CARB कार्ब, देखो अकाडमी ऊपर ही आ गया, इसको सर्च कर लेंगे, सर्च करेंगे तो देखो हमारा ऊपर में कार्ब अकाडमी यहाँ पर देखो लिखा हुआ आया है, अब इस पर क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे, जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद होम, यहाँ वीडियो, यहाँ प्लेलिस्ट, यहाँ चैनल, तो आपको कहाँ जाना है प्लेलिस्ट में जाना है, देखो प्लेलिस्ट में हम आ गए। अब ये प्लेलिस्ट में देखो क्लास 6 के मैथ इंग्लिश मीडियम,
क्लास सेवेंथ का मैथ इंग्लिश मीडियम, क्लास सिक्स का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास सेवेंथ का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास एट का मैथ हिंदी मीडियम, क्लास एट का मैथ इंग्लिश मीडियम। यानी तीनों क्लास का आपको जो भी होगा, आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, सारे वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप है मान लेते हैं क्लास सिक्स में, तो क्लास सिक्स वाला पर यहाँ पर देखो क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी वीडियो, जितना भी वीडियो रहेगा उतना आपको मिल जाएगा सारे एक्सरसाइज का। जैसे आप क्लास सेवन में हैं, तो सेवन में है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी मीडियम के लिए, देखो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आपका दोस्त है पढ़ना चाहते हैं, तो इनको शेयर जितना से ज़्यादा हो सके आप सबके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा, जितना भी आप मैथ में वीक होंगे आपको मैथ में स्ट्रांग कराने के लिए मेरा गारंटी है, बस आप मेरे से पूछते रहो, ठीक है। तो आप लोग को क्लास सिक्स सेवन एट हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आप लोग को बहुत मेहनत करके पढ़ाने वाले हैं, बस आप थोड़ा मेहनत करो, आपको मैथ में हम स्ट्रांग कराएंगे, कितना भी आपका मैथ वीक होगा फिर भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में से करवाइए, और जितना हो सके शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।